बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेहत के राज शहजादी के साथ। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले शहजादी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि काइंडली उसका चैनल आप सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड कलर का एक बटन दिया गया होगा, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। अच्छा, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये कि हाथ की लकीर आपकी शादी और प्यार के बारे में क्या कहती है। आप भी जान लें, माहिरीन का दिलचस्प दावा है, पामिस का दिलचस्प दावा है, ठीक है, कि शादी की लकीर प्यार के बारे में और ये लकीरें प्यार और शादी के बारे में क्या कहते हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो मोहब्बत और शादी के हवाले से अपना मुस्तकबिल जानने के शौक में किसी पामिस्ट या नजूमी के पास ना गया हो। और हर कोई जाता है पामिस के पास और सबसे पहले वो शादी का पूछता है या फिर अपने मुस्तकबिल का पूछता है। ये दो सवाल होते हैं हर किसी के पास। मगर अब आपको इस पामिस के पास, किसी भी पामिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हम आज आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आप किस तरह खुद ही अपने हाथ की लकीर देखकर अपनी मोहब्बत और शादी के मुतालिक पेशन गोई कर सकते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ जोड़िए। आपको एक हथेली से दूसरी में जाती हुई उर्दू हरफ बे की शक्ल में एक लकीर नजर आएगी। अगर आपकी हथेलियों पर बे की शक्ल पूरी तरह बनी हुई है तो आप शरीफुल नफ्स, हसास और अच्छी हसे आमा के मालिक हैं। अब आप मिलाकर देखना शुरू कर दिया होगा, आपने अभी से दो हाथों की लकीरें बनाई होगी, पूरा बे बन गया होगा, तो आप सोच लें कि आप शरीफुल नफ्स भी हैं, हसास भी हैं और अच्छी हसे आमा के मालिक भी। और आपकी शादी किसी ऐसे मर्द या खातून से होगी जो बहुत सोगा मंजूर नज़र होगा। अगर आपका बे बनता है तो आपको जो बीवी मिलेगी वो बहुत सो को पसंद होगी, या आपको मर्द जो मिलेगा वो भी बहुत सो को पसंद होगा। अगर आपकी हथेलियों पर बे टूटी हुई है, अब आप सोच रहे होंगे किसके हाथ में तो टूटी हुई बे भी होगी, और दाएं हाथ वाला टुकड़ा ऊपर और बाएं हाथ वाला नीचे है, तो आपसे बड़ी उम्र के लोग प्यार करते होंगे। अब आप सोच में पड़ गए होंगे, अब बे की टूटी हुई है और दाएं हाथ वाला टुकड़ा ऊपर और बाएं वाला नीचे है तो आपसे बड़ी उम्र के लोग प्यार करते होंगे। ये एक रिसर्च सामने आई है। ये लकीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुमकिन तौर पर आपकी शादी भी आपसे बड़ी उम्र के मर्द या खातून से होगी। आप लोगों का माहौल और सूरत हाल को जांचने की सलाहियत भी रखते हैं और आप इस बात की परवाह नहीं करते होंगे कि लोग क्या सोचते हैं। अगर आपकी हथेली पर बे टूटी हुई है और दाएं हाथ वाला टुकड़ा बाएं हाथ वाले टुकड़े से नीचे है तो आप बहुत तंद मिजाज, चैलेंजेस को कबूल करने वाले, जज्बाती और पुरजोश मोहब्बत करने वाले होंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्या पता चल रहा है, और आपकी हाथों की लकीरें भी मैं नोट कर रही हूँ कि आप सब लोग अपने हाथों की लकीरों को देख रहे होंगे, तो मेरी वीडियो को आप प्ले बार बार करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किन लकीरों की बात कर रही हूँ। और आपकी शादी किसी कम उम्र लड़के या लड़की से होगी, मतलब यानी कि बे टूटी हुई है और दाएं हाथ वाला टुकड़ा बाएं हाथ वाले टुकड़े से नीचे है, तो आप बहुत तंग मिजाज, चैलेंजेस को कबूल करने वाले, जज्बाती और पुरजोश मोहब्बत को पसंद करने वाले होंगे। आपकी शादी किसी कम उम्र लड़के या लड़की से होगी जो गैर मुल्की भी हो सकता है या हो सकती है। आपकी तो किस्मत ही बदल गई, अब आपकी हाथ की लकीरों में ही आप देख लें। अब बे की इस शक्ल वाले लड़के अमूमन हैंडसम और स्मार्ट लड़कियां, और लड़कियां खूबसूरत होती हैं। अगर बे की शक्ल वाले लोग हैं तो लड़के अमूमन हैंडसम होते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो बड़ी प्यारी और खूबसूरत होती हैं। अब आपको मैंने ये वीडियो शेयर की, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को पर कमेंट भी करें। इस उम्मीद के साथ आज मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ अपियर होंगी। रिक्वेस्ट वही है, सब्सक्राइबर बने ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।